नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन। आज हम बात करेंगे बच्चों में कब्ज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बच्चों में कब्ज़ क्यों होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए बच्चे इतने परेशान होते हैं, उन्हें कब्ज़ हो जाती है, वो दो दो तीन तीन दिन तक पॉटी नहीं जाते हैं, और इसका डाइट के साथ क्या रिलेशन है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या मेडिसिन हम बच्चों को कब्ज़ में एडवाइस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चों में कब्ज़ क्यों होती है। बच्चों में कब्ज़ इसलिए होती है क्योंकि बच्चे एक ट्रांजिशन फेज से गुजरते हैं। जब हम 6 महीने से 1 साल की उम्र के बीच में उनका डाइट चेंज करते हैं, बच्चे दूध से ऊपर के खाने पर आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ऊपर के खाने में फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। बच्चे दूध ही दूध पीते हैं, बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, माँ का दूध छोड़ के गाय का दूध चालू कर देते हैं, और इसी वजह से उनमें कब्ज़ की शिकायत बनती है क्योंकि उनकी डाइट में उतनी फल और उतनी सब्जियाँ नहीं होती जितना उनको पॉटी बनाने के लिए ज़रूरी होती है। मैंने ये देखा है कि बच्चे 1-1 किलो तक के दूध पी जाते हैं, 1-1 किलो गाय का दूध पीने के बाद वो खाते कुछ भी नहीं है, और इसीलिए उनको पॉटी बहुत ज़्यादा टाइट आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉटी ट्रेनिंग। हम बहुत जल्दी पॉटी ट्रेनिंग चालू कर देते हैं, यूजुअली हमें 1.5 साल के बाद बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग चालू कर देनी चाहिए, लेकिन बच्चे उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम उनको डांटते हैं कि तुम पॉटी में बैठ के पॉटी करो, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर वो पॉटी होल्ड करने लगते हैं। इसके अलावा उन्हें मोबाइल देखने की, नई नई चीज़ें सीखने की, नई नए फैक्टर्स को एक्सप्लोर करने की आदत होती है, और उसकी वजह से वो अपनी पॉटी को होल्ड करते हैं, पॉटी अंदर ही अंदर टाइट हो जाती है, उनको पेन होता है, वो फिर उसको होल्ड करते हैं, और ये विशियस साइकिल चलता रहता है। तो ये बात हुई कि बच्चों की पॉटी टाइट क्यों होती है या बच्चों में कब्ज़ क्यों होती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि बच्चों में कब्ज़ आखिर होता क्या है, कब हम उसको कब्ज़ कहेंगे और कब हम उसको कब्ज़ नहीं कहेंगे। छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं और 4-5 दिन में एक बार पॉटी जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तब वो सॉफ्ट जाते हैं, हार्ड नहीं जाते हैं, इसलिए उसको हम कब्ज़ नहीं कहते हैं। 4 से 5 दिन में एक बार पॉटी जाना नॉर्मल होता है, लेकिन 6 महीने के बाद जब हम उन्हें ऊपर का दूध या खाना चालू करते हैं और उनको पॉटी अगर फिर भी वीक में 3 दिन से कम आ रही है, 3 दिन से कम उनको स्टूल पास हो रहा है, स्टूल हार्ड है, उनको उसमें पास करने में पेन हो रहा है, कई बच्चे जब चलना शुरू कर देते हैं तो पैरों को भींचते हैं और दांतों को पीसते हैं और फिर पॉटी जा पाते हैं, उन्हें कहते हैं बार बार पॉटी आ रही है लेकिन फिर भी वो जाते नहीं हैं, उसको हम कब्ज़ कहते हैं। कई बार जब लैट्रिन का रास्ता जोर लगाने की वजह से छिल जाता है तो ब्लड भी आ जाता है पॉटी में, और इसी ये जो है कि पॉटी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर पॉटी में ब्लड आ रहा है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं कब्ज़ के इलाज के बारे में। कब्ज़ के इलाज में जितना माँ बाप का योगदान होता है उससे कम योगदान होता है मेडिसिंस का, इसलिए पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो बच्चे के साथ कोऑपरेट करें। उसे अगर पॉटी खड़े खड़े करनी है तो उसे खड़े खड़े करने दें, टॉयलेट में ना बैठाएं, लेकिन 2 साल के बाद ही हमको इस कंडीशन में टॉयलेट ट्रेनिंग चालू करनी है। टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए हमें उसको एनकरेज करना है कि वो टॉयलेट में, टॉयलेट की सीट जो कि हमने कंफर्टेबल रखी है उसमें 15 से 20 मिनट बैठें, चाहे तो हम वहाँ बैठकर उसको स्टोरी सुना सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। अगर वो वहाँ बैठकर पॉटी करता है तो हमें उसको एनकरेज करना चाहिए, उसको रिवार्ड देना चाहिए, रादर देन कि अगर वो सॉइल कर दे, अगर वो अपनी खड़े खड़े या कहीं और पॉटी कर दे, उसे डांटने की बजाय। तो इससे ये होगा कि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर वहाँ बैठने के लिए एनकरेज होगा और उसको कब्ज़ की समस्या कम होगी। तो आइए अब बात करते हैं बच्चों की डाइट के बारे में, कि अगर किसी बच्चे को कब्ज़ है तो उसकी डाइट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए और क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें उसके मिल्क इनटेक को कम से कम रखना है, मैक्स टू मैक्स 300 ml दूध उसके लिए सफिशेंट है, इससे ज़्यादा दूध हमें उसको नहीं देना है। वो भी आप 100 ml करके 3 बार में दे सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उसे 300 ml दूध एक साथ ही दें। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी डाइट में फाइबर इंक्लूड करना। फाइबर कैसे इंक्लूड होगा, मैक्सिमम वेजिटेबल्स और मैक्सिमम फ्रूट्स को इंक्लूड करके। फ्रूट्स कौन कौन से दे सकते हैं, पपीता दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, चीकू दे सकते हैं, ये सारे फ्रूट्स आप दे सकते हैं। लेकिन क्या नहीं देना है, केला उसको नहीं देना है, केले से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। मैदा और बेसन से बनी चीज़ें जैसे कि नमकीन, बिस्किट्स, पिज़्ज़ा, चाउमीन और नूडल्स है, ये सब चीज़ें हमको उसको नहीं खिलानी है। अगर बहुत ही अच्छा काम किया है तो आप महीने में एक बार दे सकते हैं, लेकिन रूटीन में उसको कभी भी नहीं देंगे ये चीज़ें। आप होममेड फूड दीजिए, जो आप खा रहे हैं वो सब खिलाइए,
जैसे मसाले आप खा रहे हैं, हल्की सी मिर्च, हल्के से मसाले, वो आप सब उसको खिला सकते हैं। एक साल के बाद किसी भी बच्चे को मना नहीं होता कि वो ये नहीं खाए या वो नहीं खाए। जो हम खाते हैं वो सब उसे खिला सकते हैं। उसकी डाइट चेंज होगी तो उसकी बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी। अब आते हैं मेडिसिन के बारे में। बच्चों में दो तरीके से हम ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। पहला स्टेप होता है इन्फेक्शन को रिलीफ करना। अगर बच्चा दो तीन दिन से पॉटी नहीं आया है तो उसके पेट में हार्ड स्टूल्स जो है वो जमा हो जाते हैं और वो बिना एनीमा के या बिना वॉयलेंट पर्गेटिव्स के नहीं निकलते हैं। वॉयलेंट पर्गेटिव्स हम बच्चों को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए दो साल से छोटे बच्चों को ग्लिसरीन की सपोजिट्रीज यूज़ करते हैं, जो हम लैट्रिन के रास्ते में घुसाएंगे, ग्लिसरीन की सपोजिट्री और पॉटी के साथ बाहर आ जाएगी। ग्लिसरीन जो है वो जो पाथ होता है लैट्रिन का उसको भी ल्यूब्रिकेट करने का काम करती है, इसलिए ग्लिसरीन की सपोजिट्री सेफ होती हैं। अगर बच्चा दो तीन दिन तक पॉटी नहीं गया है तो आप लैट्रिन के रास्ते में ग्लिसरीन की सपोजिट्री लगा के उसको पॉटी करा सकते हैं, इससे उसका जो इम्पैक्शन है वो रिलीफ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में हम उनको स्टूल सॉफ्टनर्स एडवाइस करते हैं। आप एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए और सही डोज में और कितने लंबे समय तक कौन कौन से स्टूल सॉफ्टनर्स उसके लिए सेफ हैं ये आप पता करिए। कौन कौन से स्टूल सॉफ्टनर्स हम बच्चों को दे सकते हैं, जैसे कि लैक्टुलोज है, लैक्टिटॉल है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल है और सोडियम पिकोसल्फेट है। ये चार स्टूल सॉफ्टनर्स हम बच्चों को रेगुलरली एडवाइस करते हैं जिससे बच्चों की स्टूल सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 महीने के लेने के बाद में उसकी जो बाउल हैबिट्स हैं, जो उसके इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट्स हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं और बच्चों के कब्ज ठीक हो जाते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।